देखना है, जल्दी क्यों करना है? क्योंकि आप पहले से जान गए हैं कैसे करके हम काउंट करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसलिए अभी इस बार ना थोड़ा टाइम लगाना नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर करना है। ओके, तो पहला ए में क्या दिया है स्टूडेंट्स, ये हमारा पेज नंबर 42 का है। कितना पेज का है? 42 का है। ओके, तो 9 + 0 क्या लिखा है? 9 + 0 9 + 0 कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। क्यों 9 होता है पूछो तो? क्योंकि 0 जो भी नंबर के साथ ऐड होता है वो नंबर चेंज नहीं होता है। ओके, 0 के 0 जो भी नंबर के साथ ऐड होता है वो चेंज नहीं होता है, वही नंबर रह जाता है। ओके, बी में क्या दिया है? 3 + 1 बी में क्या दिया है? 3 + 1 जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? 4 ओके, सी सी में क्या दिया है? 1 + 4 क्या दिया है सी में? 1 + 4 5 ओके, डी डी में क्या दिया है? 4 + 4 क्या होगा? 8 ये वाला हमें दे दिया है आंसर। ओके, बीच बीच में ना तुम लोगों को थोड़ा इजी होगा बोल के आंसर दे दिया है, और इस बार ना तुम लोग थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करना सीखो। ओके, हर टाइम हम फिंगर काउंट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी कैसे करते हैं और जल्दी से काउंट करके कैसे बताते हैं वो वाला करना है हमें। ओके, तो ये हमारा हो गया, तो बाकी जितना बचा है तुम लोग घर में कर देना। ओके, एक्सरसाइज 3.6 का हमारा खत्म हो गया है, बाकी जितना बचा है ना ये वाला सब वो कर देना है। ओके, एक्सरसाइज 3.7 करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 3.7 में क्या दिया है वो पढ़ो बच्चे, यह हमारा पेज नंबर 43 में है। तो क्या दिया है? एड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट देयर टोटल इन द स्पेसेस गिवन बिलो। तो हमें क्या करना है? ऐड करके उसका नंबर को हमें बॉक्स के जैसा ब्लैंक्स में है उसमें हमें नंबर लिखना है। ओके, यू में यूज द नंबर लाइन इफ यू रिक्वायर, तुम्हें जरूरत होगा तो तब उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको हम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? जब हम फिंगर काउंट नहीं कर सकते हैं उसको उस लाइन पे हमें ऐड करना है, तो वो हम नंबर लाइन को कैसे ऐड करते हैं पहला उसको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं एक तो नंबर लाइन बना रही हूँ, यह हमारा नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो हमारा नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 0 से लेकर 10 का स्टार्ट हुआ है। अभी हम क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 3 + 4 = 6 ओके, तो नंबर लाइन तो बना दिए हैं, अभी हमें क्या करना है उसको सॉल्व करना है, हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन कितना है? 3 + 4 = 6 तो यहाँ पे देखो ये नंबर लाइन है, 3 कहाँ पे है? यहाँ पे 3 है। ओके, 3 + 4 ओके, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो हमें क्या करना है? प्लस कैसे करेंगे? ओके, 3 + 4 ओके, उसको कैसे करके हम काउंट करेंगे? पहला ये हमारा क्या है? 3 फिंगर है, प्लस करेंगे 4 3, 4, 5, 6, 7 तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3 + 4 = 7 ओके, तो यह हमारा हो गया है। अभी हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। 2 + 5 यह हमारा 5 फिंगर है, देन 2 ओके, 5, 6, 7 कितना हुआ? 7 बी बी का क्या है? 6 + 4 तो क्या करेंगे? काउंट करेंगे, यह हमारा पहला 6 फिंगर है, उसमें क्या करेंगे? 4 मिलाएंगे, तो 6 हो गया, 7, 8, 9, 10 तो हमारा कितना आंसर हुआ? 10 नेक्स्ट हमारा सी में कितना दिया है? 4 प्लस
नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन दिया है, 7 + 0। तो बच्चे लोग ये वाला बताओ, 7 में हम 0 को ऐड करने से कितना होगा, 7 ही होगा। क्यों होगा 7? क्योंकि हम लोग पढ़े थे 0 को हम जो भी नंबर के साथ ऐड करते हैं वो नंबर चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि 0 का कुल वैल्यू नहीं है। ओके, तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.7 हो गया है। मैं तुम लोग को चार्ट को करके बता दी हूँ और बाकी जितना बचा है तुम लोग घर में करना। ओके, 3.7। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, 3.8 में जाते हैं। तो 3.8 में क्या दिया है, देखो, एड द नंबर्स टू गेट द टोटल। तो ऐड करके हमें क्या करना है, उसका टोटल को निकालना है। ओके, हम कैसे करेंगे, इजी में एक एग्जांपल तुम लोगों को दे दूं। ओके, जैसे मैं तुम लोगों को बता रही थी, हम फिंगर काउंट कर सकते हैं और भी एक तरीका है उसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे, ये 2 लिखा है, हम डॉट का यूज करेंगे, 1 2। ओके, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी हम डॉट का यूज करेंगे, 1 2 3 4 5। जब हमारा ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी उसको क्वेश्चन के लिखेंगे और उसका साइड में ऐसे डॉट का यूज करेंगे। जितना नंबर होगा उसका साइड में उतना डॉट का यूज करेंगे, ऊपर का नीचे का भी वैसे सेम के हिसाब से जितना नंबर होगा उतना डॉट का यूज करेंगे। ओके, अभी हमारा डॉट हो गया है, अभी हम डॉट को टोटल को काउंट करेंगे। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर बहुत इजी है। तो दो तरीके से हम काउंट कर सकते हैं, फिंगर काउंट कर सकते हैं, इससे हम डॉट की यूज से भी काउंट कर सकते हैं। ओके, आई होप ये वाला तुम लोग को अच्छे से समझ आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज ले जाते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 3.9 है, सॉरी 3.8 में है। तो 3.8 में क्या दिया है, 5 + 3। तो 5 को हमें 3 में ऐड करना है। तो मैं तुम लोग को बताई थी हम कैसे करके इजी करेंगे। तो पहला 5 लिखा है, हम 5 को डॉट का यूज करेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, नीचे में कितना नंबर लिखा है, 3 लिखा है, 3 को डॉट करेंगे, 1 2 3। अभी क्या करेंगे, जितना तो डॉट बनाए हैं उसको सबको हम टोटल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा आंसर आ गया है। और एक्स्ट्रा करके बता रही हूँ तुम लोग को, 6 + 2। तो एक बात याद करना है, जितना तो नंबर रहेगा उसका साइड में उतना तो क्या करना है, डॉट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6 लिखा है, 6 को डॉट करना है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 2 लिखा है, वैसे 2 को डॉट करना है। अभी हम क्या करेंगे, पूरा टोटल करना है, पूरा मिला के काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना हमारा हो गया, 8। तो बच्चे लोग ये बहुत आसान है। और एक बात है, यहाँ पे जो 10 नंबर दिया है ना, 10 नंबर का एक बता दे रही हूँ, ये 9 + 0 है कि नहीं, तो 0 में डॉट रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, डायरेक्ट 9 करेंगे। ओके, क्योंकि मैं पहले भी तुम लोग को बता दी हूँ, 0 को जो नंबर के साथ भी ऐड करेंगे वो नंबर चेंज नहीं होता है। ओके, यह हमारा हो गया है, बाकी जितना बचा है तुम लोग बुक में कर देना। अभी हम क्या करेंगे, 3.9 में जाते हैं। तो एक्सरसाइज 3.9 में क्या दिया है, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, उसको हम ऐड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिंगर काउंट करके भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो डॉट करके भी ऐड कर सकते हैं, वो तुम्हारा मर्जी है, तुम लोग जैसे भी। 9 + 1, फिंगर भी काउंट कर सकते हैं, डॉट का भी यूज कर सकते हैं। तो कितना होता है, 9
plus my 10. Okay? 2. 6 plus 4, 10. 3. 3 plus 7, 10. Okay? यहाँ पे जो भी कुछ दिया है ये सबका आंसर 10 हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ 10. 10 कैसे कैसे होता है? जैसे 5 plus 5, 10. 3 plus 7, 10. 7 plus 3, 10. 6 plus 4, 10. तो कौन सा नंबर जॉइन होके 10 होगा? जो भी नंबर है उसको एक्सचेंज करके करने से भी 10 जैसा होगा. वो इसका हेडिंग है, इसलिए सबका आंसर 10 हो रहा है. ओके, तो ये हमारा हो गया. जितना बच्चा है बच्चे लोग ये वाला तो खुद कर देना, ये बहुत इजी है. तुम ये दो तरीके से कर सकते हो, फिंगर काउंट करके भी कर सकते हो, यानी डॉट के भी यूज कर सकते हो. जो भी तुम्हारा मर्जी है, जो भी तुम्हारा इजी हुए हो पा रहा है, वही यूज करके तुम लोग क्या करना है उसको सॉल्व करना है. ओके, तो हमारा एक्सरसाइज 3.9 खत्म हो गया है. अभी हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 3.10 करेंगे. एक्सरसाइज 3.3 में किस तरीके 3.10 में क्या दिया है? एडिंग थ्री नंबर्स. अभी क्या करना है? दो नंबर को ऐड कर दिया कि हमें तीन ठो नंबर को ऐड करना है. कैसे करते हैं? तीन ठो नंबर को ऐड करना है ऐसे करते हैं. देखो 3 प्लस 2 प्लस 1. पहला क्या करेंगे? 3 लिखा है, 3 रहेगा, उसमें 2 मिलाएंगे. 3 प्लस 2 5 देन 1 6. ऐसे करेंगे. पहला दोनों नंबर को मिलाएंगे, जितना आंसर होगा फिर नेक्स्ट नंबर को ऐड करके वो आंसर आराम से आ जाएगा. तो अभी हम क्या कर देते हैं, अभी तुम लोगों में आंसर करके दिखा रहे हैं.